आर्मी के कई अफसर रैंक के साथी जिन्होंने शहादत यहाँ पे दी। बड़े अफसोसनाक बात है और पूरा देश सदमे में यहाँ पे है कि ये शहादत की वारदातों का सिलसिला चलता यहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हम उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं। ऊपर वाला उनको अपने चरणों में जगह दे। मनप्रीत जी हों, आशीष जी हों, हमारे हुमायूं भट्ट DSP साहब हो, और इसी ढंग से जिस ढंग से कालाकोट के भी कल वारदात यहाँ पे हुई, और पहली तरीक से जैसे डांगरी का हादसा यहाँ पे हुआ, तो हम जहाँ पे उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं, अफसोस यहाँ पे करते हैं। ये जाने नहीं जानी चाहिए थी। जांबाज हमारे फौजी हैं, हम उन पर नाज करते हैं कि हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को ख़त्म यहाँ पे वो कर पाए, लेकिन जहाँ पे उनके इस हादसे पे हम अफसोस प्रकट करते हैं, वहाँ पे ये भी ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि जो पार्टियाँ, जो सत्ताधारी पार्टियाँ जो दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, दावा करते हैं कि टोल प्लाजा, दावा करती है कि किसी ना किसी ढंग से यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवाद की घटना नहीं है, बिल्कुल इलाका पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरी मेंटेन करके रखी है, तो इस हादसे ने ये पोल खोल दी। कालाकोट से लेकर यहाँ पर जिस ढंग से पूंछ में भी कई जवानों की शहादत यहाँ पे की, तो ये एक पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड है जो खोखले दावे यहाँ पे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सारे सामान्य तौर पे हैं। और हम समझते हैं कि उस चीज़ को जो सर्टिफिकेट यहाँ पे इस वारदात ने अंजाम यहाँ पे दिया, टेररिज्म है, चुनौती हैं, उसका मुकाबला पूरे हमारे भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मिल के यहाँ पे करें। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी मार सपोर्ट करने के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं, और यही दुआ करते हैं कि इनके हौसले बुलंद हैं और जल्दी ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया वो फौरी तौर पर उनका खात्मा यहाँ पर हो, क्योंकि टेररिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह यहाँ पर ना हो पाए। और जहाँ पर दावे इनके खोखले यहाँ पर हुए, और वहीं पर कल जिस ढंग से उनकी क्रीमेशन हो रही थी, और प्रधानमंत्री G20 की वाह लूटले फूल बरसा रहे थे, देश शर्मसार है। और हम समझते हैं कि इस ढंग से इस लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस ढंग से वो चरमरा गई है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये रियासती प्रशासन किसी न किसी ढंग से ठोस कदम यहाँ पर उठाए ताकि इन चीज़ों की वारदात को अंजाम देने वाले लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं आशिये पर लाते हुए, हर दिन यही सुनते हैं कि 200 सक्रिय है, लेकिन लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम ने जो जिस ढंग से इस रियासती सरकार की प्रशासन की पोल खुल के रह दी, ये चिंता का विषय है। और हम यही मांग करते हैं कि सरकार, यहाँ का प्रशासन, आज अमित शाह जी, आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भी भाषण कर रहे थे, लेकिन किसी के मुँह से एक लफ्ज़ उन लोगों की शहादत के बारे में नहीं निकला। ये अफसोस की बात यहाँ पर, हम इसकी निंदा यहाँ पर करते हैं, इस वारदात की निंदा यहाँ पर करते हैं। हमारा मेन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके ये इस को चिंता प्रकट करना, ये सीरियस इशू है, और हम सब लोग फौजी पैरामिलिट्री फोर्सेस की सराहना यहाँ पे करते हैं कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश की खातिर वो अपनी जानें यहाँ पे निछावर कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से उनको सलाम करते हुए श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करते हैं, और यही मांग करेंगे कि फौरी तौर पर जो खोखले दावे जिस ढंग से फेल होकर रह गए, सरकार कोई ना कोई कदम यहाँ पर उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, कॉन्फिडेंस